अस्सलामुअलैकुम, हैव अ लवली मॉर्निंग जी जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, वेरी गुड। भाई आज आप लोग काफ़ी फ्रेश फील कर रहे होंगे क्योंकि आज तो वेदर भी बहुत अच्छा है, एम आई राइट? वेरी नाइस। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कल हमने क्या किया था। कल हमने स्फीयर शेप को डिस्कस किया था। क्या आप लोगों ने घर में स्फीयर शेप की चीज़ें तो देखी थी, ढूंढी थी आपने? आपको क्या क्या मिला था? आपको भाई टॉयज़ में अपनी बहुत सारी कलरफुल बॉल्स मिल गई होंगी, राइट? और आप बहुत सारे बलून्स भी ला सकते हैं। और क्या था आपके पास? और आपके पास मार्बल्स थे घर में? नहीं थे? बड़े ब्रदर के पास होंगे, आप उनसे कहते वो आपको मार्बल्स दिखाते। चलें कोई बात नहीं, आज अपने आप अपने भाई से कहिएगा, वो आपको मार्बल्स ज़रूर शो करेंगे, ठीक है? ओके प्यारे बच्चों, लेट्स कम टू द बुक पेज। ओपन पेज नंबर 5। यस, हियर इज अ लुक ऑफ पेज 5। पुट अ डेट। क्या आपको डेट लिखना नहीं आती? चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी मम्मा की हेल्प ले लें, मम्मा से कहें वो आपको डेट लिखना सिखा दें, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि और इस पेज में हमें क्या नज़र आ रहा है। अरे हमें तो आइकन्स नज़र आ रहे हैं। इस आइकन में हमें क्या नज़र आ रहा है? फर्स्ट आइकन इज मैच। अब बताइए इस आइकन में हमें क्या नज़र आ रहा है? इस आइकन में हमें एक नंबर नज़र आ रहा है और इसमें एक दो पेयर्स नज़र आ रहे हैं। और क्या नज़र आ रहा है? एक पेंसिल नज़र आ रही है जो कि नंबर को ऑब्जेक्ट से मैच कर रही है। क्या कर रही है? नंबर को ऑब्जेक्ट से मैच कर रही है। तो अब हमें भी क्या करना है? हमें भी मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। जब भी आप ये आइकन देखेंगे तो आपने समझ जाना है कि आपने क्या करना है। मैच, से विद मी, मैच। वन मोर टाइम, मैच। वेरी गुड, मैच। वेरी नाइस। एंड द सेकेंड आइकन इज कलर। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? अ बिग फैट कैट, राइट? और कैट में एक क्रेयॉन कलर कर रहा है। तो हमें भी क्या करना है? कलर करना है। जब भी हम ये आइकन देखेंगे हम समझ जाएंगे हमें क्या करना है। कलर, कलर, कलर। रीड विद मी, कलर, कलर, कलर। वेरी नाइस, कलर करना है। चलें लेट्स कम टू द पेज। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर हमें एक स्फीयर शेप की बॉल नज़र आ रही है, ग्रे कलर में। ये देखिए एक बॉल नज़र आ रही है। अब आपने क्या करना है? तमाम स्फीयर चीज़ों को मैच करना है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, जो ये यान नज़र आ रहा है, क्या इस यान का शेप जो है वो स्फीयर है? स्फीयर शेप है ये, आपको नज़र आ रहा है ना? इट्स लुक लाइक अ बॉल। यस, इट्स लुक लाइक अ बॉल। ये स्फीयर शेप है। तो हम क्या करेंगे? इस ग्रे बॉल से यान को मैच कर देंगे, मैच कर देंगे। पुट अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ग्रे बॉल टू यान। वेरी गुड। नाउ लुक एट द बलून। ये क्या है? बलून। और बलून का शेप कौन सा होता है? स्फीयर। तो हमें क्या करना है? ग्रे बॉल को बलून से मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। वेरी गुड।
चलें आप जल्दी से ग्रे बॉल को बलून से मैच कर दीजिए। वेरी गुड। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्ट इज ऑरेंज। ऑरेंज, से विद मी ऑरेंज। यस, नाउ टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑरेंज। स्फीयर। यस, स्फीयर, वेरी गुड। हमने क्या करना है, ग्रे बॉल को ऑरेंज से मैच करना है। यस, मैच करना है, क्योंकि दोनों का शेप सेम है, स्फीयर है, इसलिए हम ग्रे बॉल को ऑरेंज से मैच कर देंगे। मैच कर देंगे, वेरी गुड। नाउ द लास्ट ऑब्जेक्ट इज बॉल। बॉल, दिस इज अ बॉल। यस, इसका शेप भी क्या है, स्फीयर है। तो अब हमने क्या करना है, ग्रे बॉल को फुटबॉल से मैच कर देना है, क्योंकि दोनों के सेम शेप हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ग्रे बॉल को फुटबॉल से मैच कर देंगे। यस, अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम पिक्चर्स में अपने फेवरेट कलरिंग करनी है, ठीक है। जो भी आपका फेवरेट कलर है, आपने उस कलर की कलरिंग करनी है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जो कि स्फीयर शेप में मौजूद होती हैं, ठीक है, क्लियर है आपको। आपने क्या करना है, आपने इसमें इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में अच्छी सी कलरिंग करनी है और अपनी टीचर से स्फीयर शेप को डिस्कस करना है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।